जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, आप लोगों ने श्रवण किया है, वो कृष्णा लीला में सुवर्ण सखा थे जो देखने में राधा रानी जैसे, इसलिए कभी कभी राधा रानी का रूप धारण करते हुए कभी कृष्ण लीला में उन्होंने बहुत कुछ मदद किया है, हैं? इसलिए सुवर्ण सखा राधा रानी बन करके जावट में रह जाती थी और राधा रानी वहां से चली जाती थी। जाकर के कृष्णा सुवर्ण सखा को भेजे थे, बोले जाओ राधा रानी के बगैर आज मैं जीवन धारण नहीं कर सकता, किसी तरह से राधा रानी को जाओ। अब सुवर्ण सखा क्या करता था, अंदर में बछड़ा घूम गया बोल करके अंदर में घुस जाता था और राधा रानी को बोलती चल चल मेरे रूप धारण कर लो। राधा रानी का रूप सुबल और सुबल का रूप राधा रानी धारण कर लेती थी और राधा रानी सुबल बन करके अपना हाथों में बछड़े को लेकर आ जाती थी। तब आ करके राधा रानी कहती है कल मैंने बहुत कोशिश की, क्या कोशिश की राधा रानी को लाने के लिए, राधा रानी खुद कहती लेकिन किसी तरह से राधा रानी को मैं ला नहीं पाया। कृष्ण इतने दुखी हो जाते, इतने दुखी हो जाते हैं, राधा रानी को नहीं ला पाया, बोले नहीं, लेकिन जब बछड़े को नीचे उतार देते हैं ना, पर देखते हैं कौन है, श्री राधा रानी। इसलिए ये प्रिय नर्म सखा है, ये प्रिय नर्म जो सखा है, यदि ये श्रृंगार रस में, जब कभी श्रृंगार रस में उनको कृष्ण जो वस्त्र धारण किया है उनको साथ में, ये प्रिय नर्म सखा लोग होते हैं। इसलिए ये जब यहाँ पर अब पता है दोस्त के साथ में कितने मित्रता होते, दोस्त के साथ में कितने मित्रता, यहाँ पर किसी तरह से जब महाप्रभु को जाने नहीं दिया है, बोले इतने सुंदर सुंदर उनके लिए व्यंजन बनाया करते थे, इतने तरह तरह का महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ पर बोलते थे आज हम भोजन नहीं करेंगे, हम उनको बोलते हैं तो वृद्ध हो गए थोड़ा कम बनाओ, लेकिन इतने तरह का क्यों बनाते हो, लेकिन बोले आज खा लो फिर कल नहीं बनाऊंगा। खैर जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ से जाने के लिए तैयार हुए रोने लग जाते थे, बोले नहीं आज रुक जाओ फिर कल क्या, लेकिन जब फिर कल हो जाता है ना कल जाते बोले ना ना फिर कल जाना, इसलिए स्थान का नाम पड़ गया काल ना, कल मतलब कल, मतलब कल जाना, लेकिन जब कल हो जाता है ना फिर कहते हैं ना, इसलिए स्थान का नाम क्या पड़ गया काल ना नाम पड़ गया, ये स्थान का नाम है। अभी यहाँ प्रश्न है, हाँ देखो यहाँ पर और एक चीज देखोगे, यहाँ जो ठाकुर का ना आपको डायरेक्ट आपको दर्शन नहीं दे रहे, दे रहे बंद है ना, खोल देते हैं फिर बंद कर देते हैं, खोल देते हैं बंद कर देते हैं, केवल आप देखो कि अपन भारत में ये दो जगह में ये झांकी दर्शन होता है, बताओ तो कहाँ केवल ये दो जगह में ये झांकी दर्शन होता है, पर ये दो जगह में कभी ये दो जगह में क्यों झांकी दर्शन होता है, ये वाक्य भी है कि कभी किसी प्रेम भक्तों ने उनको आंखों में आंखों मिला करके, प्रेम कब होता है, पहले प्रभु आंखों से पहले प्रेम शुरू होता है, हैं? इसलिए कहते हैं आंख की बात करती है, इसलिए आंखों से आंख मिलाना तभी ये प्रेम होता है। इसलिए कभी वाक्य भी है कभी एक भक्त ने लेकर भाग गए थे, लेकर भाग गए थे उनको सवेरे देखा ठाकुर जी है नहीं, भाई ठाकुर जी कहाँ गए, कल कोई एक भक्त आकर के ठाकुर जी के सामने खूब रो रहे थे, लगता है ठाकुर तो बड़े प्रेम लगते हैं उनको साथ में, सचमुच से देखा ठाकुर को बैलगाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं, फिर वहां से फिर वापस लाए। यदि ये ठाकुर भी ऐसे ही, इनका जो शिष्य था उनका नाम था हृदय चैतन्य, इनका नाम था पहले चैतन्य नाम था, जब महाप्रभु का जन्मतिथि आए, नियम है देखो ध्यान देख रहे, जब कोई कृष्ण का जन्मोत्सव, राधा रानी का जन्मोत्सव, महाप्रभु का जन्मोत्सव, कोई विशेष विशेष संतों का जब जन्मोत्सव होता है, नियम है रोज रोज ठाकुर को जो चीज बनाते हो खाने के लिए उसी दिन विशेष करके कुछ खाना बनाओ रोज, ये हमने तो अपराध लग गया, उसी दिन जैसे तुम्हारे बच्चे का बर्थडे हो, क्या नहीं करते हो, सारे दुनिया करते हो, हैं? जो बच्चे दो दिन बाद में बहू आ जाए ना कान में यही से मंत्र दिए, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि का आराम है, जब उसी के लिए इतना करते हो, इसलिए ठाकुर जी के लिए क्या करनी चाहिए, जो तिथि है विशेष करके उस दिन ठाकुर को विशेष उनको भोग लगाओ, ठाकुर का श्रृंगार करो, है? अभी गौरदास पंडित किसी दास में बाहर गए हुए, उनने देखा गुरु जी आ नहीं रहे क्या करें क्या करें, उन्होंने वैष्णवों को बुला करके यहाँ पर उत्सव कीर्तन कराया करते थे, लेकिन जब देखा गुरु जी आ ही नहीं रहे अभी क्या करनी चाहिए, तो उन्होंने वैष्णवों को बुला करके यहाँ पर कीर्तन कराया, गुरु जी हटा था, गुरु जी ने कहा भैया मैं तो तुमको बताया नहीं, लोग भक्तों को बुला करके यहाँ पर कीर्तन करने के लिए मैंने कब बताया नहीं, तुमने बगैर आदेश से तुमने बुला किया, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होना कोई काम।
काम नहीं करनी चाहिए। ये लोग शिक्षा के लिए यहाँ से घर से तो निकल जाओ, घर से तो निकल जाओ। फिर वो निकल गए, जब निकल गए अभी जो गंगा किनारे पार हुआ वो वहीं पर गए, और वहीं पर जब गए जब गुरु जी सगर मंदिर खोला ना, मेरा ठाकुर जी है घर में, ठाकुर नित्यानंद रूप महाप्रभु यहाँ पर है ही नहीं यहाँ पर। भैया ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते बैठे लेकर ढूंढने के लिए सका है ना, तो डंडे लेकर कोई गए कहाँ यहाँ से नित्यानंद महाप्रभु, डंडे लेकर गए देखा श्री हाँ गंगा किनारा में वहां तो सारे वैष्णव लोग और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जो विग्रह दर्शन कर रहे हो, ये साक्षात रूप में वहां नित्य कीर्तन हो रहे थे, सबके सब भगवान के कीर्तन में पिताई गौर प्रेमानंद वहां पर नृत्य कीर्तन चल रहा था। लेकिन जब देखा सुबल हमारी ये और दास पंडित लठिया लेकर के आए, दोस्त लगते है ना, जिसको देख करके महाप्रभु नित्यानंद डर गए, डर के मैंने क्या किया, मैंने देखा चैतन्य को हृदय में देखते देखते इसका हृदय में ही प्रवेश कर गए, हैं प्रवेश कर गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य, उनका शिष्य का नाम पड़ गया है। इसलिए ठाकुर जी इसलिए यहाँ पर बारंबार दर्शन खोलते बंद करते हैं, कारण यही है। फिर ठाकुर को कोई एक नजर से देख करके फिर ठाकुर जी को साथ में भाग नहीं जाए, इसलिए यहाँ पर उनको ठाकुर जी को यहाँ पर अब बंद खोलते हैं और ये नृत्य करते हैं। अभी अभी आप लोग ने सुना है, अभी प्रश्न यहाँ पर आता है, भैया हमारे घर में तो ठाकुर है, फिर आप इतना कष्ट करके कितना मजा लगा बस सुनाने के लिए, आप लोग ने पता नहीं कोई बंगाल कोई बिहार कोई उड़ीसा कोई विदेश कोई ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कितने कितने दूर से आए, भैया तुम्हारे घर में तो ठाकुर है, घर में ठाकुर है कि नहीं, फिर इतना दूर आए खड़े थे यहाँ पर, कोई कोई लोग सोचते पता नहीं बाबा लोग आपको पीछे पीछे घुमा रहे बिना कारण से खुद पागल हमें पागल बना रहे हैं, ये धूप में सबर से शायद कोई भोजन भी नहीं किए होंगे, इसलिए पता नहीं ये लोग हमें अपने जैसे पागल जैसे हम खा रहे हैं, खुद भी पागल दूसरा कोई पागल लगे, यहाँ प्रश्न होता है ना। फिर हम ये ठाकुर को दर्शन करने के लिए करें क्यों आए, कारण क्या है, इसलिए हमारे वेद में बताया यदि महत की प्रतिष्ठित वह विक्रम को उतना ही महत्व है जिस विक्रम को जितने बड़े महापुरुष को द्वारा स्थापित की गई, इसलिए आपका घर का भी ठाकुर बाकी बिहारी क्यों देखने जाते हैं, अपना जो हृदय की देवता को ही हृदय में तो कभी कभी ठाकुर जी दर्शन देते हैं, लेकिन वही जो दर्शन करते उसको डायरेक्ट रूप में स्थापन करते हैं, जब वो ठाकुर का दर्शन करते हैं संत उनके ठाकुर का उन्हीं बना होता है। इसलिए ये जो ठाकुर जी आप लोग ने सुना है ना, जब उन्होंने लकड़ी की ईट लकड़ी के ठाकुर बनाए बना करके अभी चार हो गए महाप्रभु तो नित्यानंद नहीं मिला, अभी बोले वो कह रहे हैं बताओ किसको तुम रखना चाहते हो, बताओ बोले आप ही रहो, ये नीम ठाकुर से नीम का लकड़ी का ठाकुर क्या क्या जरूरत है, आप स्वयं रहो, जो बोले ना वो जो नीम का जो दो लकड़ी में जो ठाकुर बनाए थे वो दोनों ठाकुर चलना शुरू कर दिया। फिर देखा ये क्या हुआ, ये तो ठाकुर जैसे तैसे स्टैचू बन गए और जो नीम का ठाकुर था वो जा रहे, फिर उन्होंने भागते भागते फिर कहाँ जा रहे हो, बोले हम रह गए ना, बोले नहीं नहीं आप ही रहो उनको जाने दो, फिर जब उनको रोके ना फिर ये दोनों ठाकुर फिर दोनों ठाकुर चलना शुरू कर दिया। लास्ट में यहाँ पर कौन रुक गए, स्वयं नित्यानंद महाप्रभु दोनों ही यहाँ पर रुक गए। इसलिए गुरुदेव को साथ में एक बार आए थे, गुरु जी कहते थे हम तो अभी तक नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का दर्शन नहीं किया है, दर्शन नहीं किया, गुरुदेव कहते थे लेकिन आप जब ये ठाकुर का दर्शन करोगे साक्षात रूप में, गुरु जी कहते थे ये ठाकुर का दर्शन करोगे तो साक्षात रूप में महाप्रभु और नित्यानंद का दर्शन का फल आपको डायरेक्ट फल प्राप्त होगा, ये गुरु जी ये बात को स्वयं कहते थे। इसलिए आज हम जो ये विग्रह दर्शन कर रहे हैं है? इसलिए इनका नाम है विग्रह, विग्रह इनका नाम क्यों, बी मतलब होता है विशेष पूर्वक, ग्रह मतलब होता है भक्तों का सेवा को जो विशेष पूर्वक ग्रहण करते हैं, कहते ठाकुर जी रूप में आए क्यों, कारण क्या है, पुराण में कथा दी है एक समय नारद जी मध्य जगत में आए और घर घर में गए, सबसे पूछे ठीक ठाक हो सब तो मुंडी हिलाए, लेकिन जब अंदर की बात पूछे ना देखा संसार में कोई भी ठीक नहीं, सब रंग सब कोई राय नहीं, सबके सब रंग है, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी कोई बीवी से दुखी कोई पति से दुखी कोई पैसा से दुखी कोई ननद से दुखी कोई सास से दुखी कोई पड़ोसी से दुखी कोई गांव से दुखी, दुखी दुखी दुनिया में किसी को सुखी नहीं देखा। इतने में नारद जी वैकुंठ में गए, देखा ठाकुर जी
कभी सुख नहीं पाता। भगवान से सुखी होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति नहीं मिली। मंदोदर जैसे पत्नी मेघनाथ जैसे बेटा सोने की लंका पार करके भी सुखी नहीं हुए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ज्यादा पैसा कमा करके ना बढ़िया बीवी शादी करके और दो चार बच्चे सृष्टि करके साथ शांति मिल जाएगी। बोले प्रभु जब तक तुम्हारी सेवा नहीं करी ना शांति नहीं मिलेगी। थोड़ा नीचे उतरो, थोड़ा जीवों को सेवा दो। बोले तो मैं वैकुंठ में हूं ना। बोले वैकुंठ किसी ने देखा है? सुना वैकुंठ देखा हो? नहीं तो थोड़ा नीचे उतरो। बोले मैं रमा वैकुंठ। बोले रमा वैकुंठ कौन देखा? बोले स्वर्ग में भी हूँ। बोले स्वर्ग तो सब सुने हैं लेकिन स्वर्ग देखा किसी ने? बोले जीव का हृदय में मैं परमात्मा रूप में भी हूँ। बोले प्रभु वहां पर रहने पर भी आप तटस्थ रूप में हो, आप तटस्थ रूप में हो उसमें, इसलिए प्रभु नीचे थोड़ी सुतर। बोलने पर भगवान स्वयं दर्शन कर रहे हैं, ये जो विग्रह दर्शन कर रहे हो नारद जी। बोलने पर भगवान स्वयं ये ठाकुर जी रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। इसलिए अभी अभी संजय प्रभु कह रहे थे ना, ये महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं क्या कहते हैं? विग्रह न हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो विग्रह नहीं तुम साक्षात भगवान हो। अभी उन्होंने साक्षी गोपाल का उदाहरण दिया ना, जो साक्षी गोपाल जी साक्षी देने के लिए पूरी आए, अभी राजा रानी ये भी देखने के लिए आए। बोले ठाकुर जी वृंदावन से चलते चलते आए, बड़े आश्चर्य की बात है। रानी इतने में देखा, रानी को पास में तो ये हीरे की एक बेसर था, हीरे की एक बेसर। वो सोच रही है अगर ठाकुर जी के नाक में छेद होता है ना, ये हीरे की बेसर भी मैं पहना देती। वो ये सोच करके चली गई। निकली जो रात को सोई ना, ठाकुर जी स्वप्न दिए। बोले महारानी तुम्हारी इच्छा मेरे नाक में सोने की बेसर पहना के लिए? हाँ। बोले मैं जो बच्चा था छोटा काना, उसी समय मेरे भैया ने नाक में छेद कर रखी थी। नाक में भी छेद है, नाक में भी छेद है। तुम्हारी इच्छा है ना नाक में बेसर पहनाने के लिए, आ करके देखो वहां से मिट्टी को हटाना, अभी भी छेद है। रानी बोली, राजा को उन्होंने उठाए ऐसे स्वप्न देखा। बोले चलो सोने की बेसर लेकर आए तो देखा ठाकुर का नाक में छेद है, अभी भी वो हीरे की बेसर ठाकुर का नाक में पहना हुआ। अभी साक्षी गोपाल को अकेल, पहले राधा रानी थी नहीं, लेकिन राधा के बगैर कृष्ण को कहां चैन पड़े। अभी राधा रानी कृष्ण को अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, अभी राधा रानी पुजारी की बेटी बन करके आई। अभी कृष्ण क्या करते, घर में नहीं सोते हैं, वो जाकर उसको बेटी को पास फिरा बिताते हैं। इतने में सवेरे क्या हुआ, एक दिन पुजारी खोलने के लिए दरवाजा आए, यहाँ में है तब दरवाजा खोलो, ऐसे नहीं झट मत करो, ताली बजा करके घंटा बजा कर खुलनी चाहिए। लेकिन जब उनके बेल हो जाए ना, ठाकुर तो वहां पर था ही नहीं, वो तो बेटी को पास में सो रहे थे। इतने में जब घंटी बजाए, ठाकुर जी बोले मैं तो मंदिर पे है नहीं, मैं तो उसकी बेटी को पास में सो रहा हूँ। इतने में साखी को पास जल्दी जल्दी बात पे आए और आते समय सोने की बंसरी छोड़ के आए। और जब पुजारी ने दरवाजा खोला, ठाकुर का हाथ में सोने की बंसरी नहीं देखा, उन्होंने हल्ला मचा दिया, ठाकुर की सोने की बंसरी कहीं चोरी हो गई, सियाट लगा दिया, देखा उसको बेटी के घर में। राजा बोले तू चोरी करके हल्ला मचा दिया, उसको जेल में बंद कर इसको। अभी उसको तो जेल में बंद कर दिया। अभी साथी लोग सोच रहे हैं भैया मेरे ससुर साहब जेल में बंद हो गए, चोरी तो मैंने की और ससुर जी बंद हो गए जेल में। इतने में ठाकुर स्वप्न दिए, बोले देखो ऐसे ऐसे ठाकुर ने सारी घटना बताई, मैं अकेले तो खड़ा कर दिया राधा ने। बोले यही नहीं, राधा के बगैर तो मैं आता हूँ, अभी मैं जाकर उसका बेटी है ना, और मेरी राधा उसको बेटी बन करके आई है, मैं रोज जाकर उसको बेटी के पास में सोता हूँ, इसलिए मेरे हाँ जितने सब सोने हीरे की जितने गहना सब ले जाओ, लेकर तो बच्ची को दुल्हन की बुलाओ, पालकी में बैठाओ और राजा महाराजा को साथ में लाओ और फिर से शादी कराओ। अभी उन्होंने वो बेटी को दुल्हन ही बना करके लाए, जब अंतरी में प्रवेश कराए ना, दरवाजा बंद हो गया, खोल कर देखा ठाकुर नहीं, ठाकुर है ही नहीं। इसलिए सनातन गोस्वामी स्वयं बोलते थे ठाकुर का नमक दो, बगैर नमक से गले से नीचे उतरता नहीं। इसलिए ठाकुर जैसे नहीं, इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले गोपिया जैसे तो नाचते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तो। हाँ, इसलिए जो विग्रह है वो साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, बोलते चलते खाते उठते बैठते सब कुछ ठाकुर जी करते हैं, लेकिन किसके लिए करेंगे? भगवान भक्त के लिए करते हैं। इसलिए ये ठाकुर जी को पास में हम लोग आए हैं और श्री गुरुदास पंडित जी को पास में महाप्रभु का परिकर है, यहाँ पर सबके सब आए, नवद्वीप परिक्रमा करने से पहले आए, क्योंकि
तक भक्तों का कृपा नहीं होना तब तक हम लोग भगवती परिक्रमा सही नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग ये ठाकुर जी को दर्शन करो। यहाँ पर विशेष और दो चीज है, यहाँ पर महाप्रभु अपना हाथों से गीता के ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने वो गीता ग्रंथ भी उन्होंने महाप्रभु के हाथ गाय थी, उन्होंने गौरदास पंडित को दिया था, अभी भी वो गीता यहाँ पर रखा हुआ। अब महाप्रभु जो कार्य करते थे, जो चाप से कार्य करते हैं, क्या सो क्या बोलते चापू में, उस समय महाप्रभु गौरदास को पंडित को दिया, बोले गौरदास मैं तुमको ये चापू दे करके जा रहा हूँ, तुम जीवों को भव सागर से तुम पार करना भव सागर से। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ का चरण धूल लगाओ और प्रार्थना करो, एक दिन महाप्रभु का लीला हमारे हृदय में प्रकाशित हो।